अगर आप इस लिक्विड का स्प्रे 15 दिन में पौधे पर करते हैं तो बहुत सारी समस्या से पौधों को बचा पाएंगे, चाहे बारिश के सीजन में फंगस डिजीज हो जो अक्सर मिट्टी में पनपते हैं, चाहे पौधे में लगने वाले सफ़ेद कीड़े, मिलीबग की समस्या हो, या फिर पौधे में छुपी हुई चींटी जो अक्सर धीरे धीरे पौधे की जड़ों को खा जाती है और पौधे को खोखला बना देती है। उसके अलावा बारिश में होने वाले स्लगन स्नेल की समस्या। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में एक ऐसे कीटनाशक बनाने जा रही हूँ जिसे आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं और इसका यूज करके अपने पौधों को पेस्ट इंसेक्ट फ्री रख सकते हैं। तो क्या है ये लिक्विड जिसका यूज करके हम पौधे को विभिन्न तरह की समस्याओं से अपने पौधों को बचा पाएंगे? तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि ये लिक्विड किस चीज़ से बनाए गए हैं, इसका किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और कितनी मात्रा में यूज करने हैं और इसमें ये लिक्विड को बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ बारिश हो रहे हैं, पूरे छत बारिश के कारण भींगे हुए हैं और पार्चुला का आप देख सकते हैं इसके सुबह में फूल अच्छी तरह से खिले हुए थे और बारिश भींगने के कारण इसके पार्चुलाका के फूल भी आप देख सकते हैं मुरझा से गए हैं। तो इस समय बारिश के साथ साथ पौधे की ग्रोथ तो होती है, बारिश का पानी एक वेस्ट फर्टिलाइज़र वेस्ट न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं प्लांट में ग्रोथ और पौधे में विकास के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ पौधे में इस समय पेस्ट इंसेक्ट भी उतने ही मात्रा में देखे जाते हैं, चाहे मिट्टी में होने वाले फंगस प्रॉब्लम हो जो अक्सर मिट्टी में पानी के कारण ही पनपते हैं और धीरे धीरे पौधे को फंगस से धीरे धीरे ख़राब कर देते हैं, उसके जड़ों को ही समाप्त कर देते हैं। उसके साथ ही साथ इस समय मिट्टी में स्लगन स्नेल की समस्या भी देखी जाती है या फिर मिलीबग की समस्या देखी जाती है। ऐसे और भी समस्या है जो बारिश में अक्सर पौधे को ख़राब कर देती है, अच्छे भले पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस समय पौधे की ग्रोथ के साथ साथ पौधे की देखभाल की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारे पौधे स्वस्थ रहें, तभी आपके पौधे में फूल और फलों की संख्या भी आ पाएगी, पौधे की ग्रोथ हो पाएगी। क्योंकि जिस तरह से हमारे लिए स्वस्थ मन में स्वस्थ तन का निवास करते हैं, उसी प्रकार से हमारे पौधे के लिए स्वस्थ रहेंगे, पेस्ट इंसेक्ट फ्री रहेंगे, तभी हमारे पौधे भी अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे, उसमें अच्छे कलियां और फूल आ पाएंगे और फल और फलों की संख्या भी दुगनी मात्रा में बनेंगे। यहाँ पर जो कीटनाशक मैं बनाने वाली हूँ वो 2 लकड़ियों से बनाए गए हैं। एक लकड़ी जो आप सभी के किचन में अवेलेबल है, जिसका यूज आप सब्जियों में काढ़ा बनाने में करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दालचीनी जो आप सभी के किचन में अवेलेबल है। दालचीनी के एक टुकड़े को लेनी है, उसके अलावा एक लकड़ी का टुकड़ा जो देख रहे हैं वो है अर्जुन वृक्ष की छाल, यानी कि उसकी अर्जुन वृक्ष की छाल लकड़ी को लाना है काटकर। जहाँ पर आपके आसपास अगर अर्जुन वृक्ष है तो आप चाहें तो इसके लकड़ियों को लाकर आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जब ये कीटनाशक आपको बनानी है बस दोनों चीज़ों को पानी में उबाल लेनी है, जब तक उबालनी है जब इसके पानी का कलर बिल्कुल रेड ना हो जाए। तो जब ये अच्छी तरह से उबल जाए तो आप चाय छन्नी की मदद से आप उसे छान लें और इस पानी को आप चाहें तो किसी बॉटल में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। और जब इसका प्लांट पर स्प्रे करना हो तब इसका यूज आप कर सकते हैं स्प्रे के तौर पर। अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में।
आखिर इसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्लांटों के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले ये दालचीनी जो देख रहे हैं, इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियन ऐसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। खासकर रेनी सीजन में फंगस डिजीज का एक काट है दालचीनी। दालचीनी के पीस के अगर मिट्टी में आप यूज करते रहें तो फंगस प्रॉब्लम से बच पाएंगे, अपने पौधों को बचा पाएंगे। यहाँ तक कि पीएच लेवल अगर आपके प्लांट की बढ़ गई है तो पीएच लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं ये दालचीनी का पाउडर। ये पौधों को बारिश में जड़ गलन की समस्या से भी राहत दिलाते हैं। यहाँ तक कि इस समय कटिंग लगाने के लिए आप इसका यूज रूटिंग हार्मोन के तौर पर इसका पाउडर का यूज कर सकते हैं, जिससे आपके कटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे बल्कि कटिंग 100% लगेंगे। ये तो हुई दालचीनी के फ़ायदे प्लांट में। अब हम बात करते हैं अर्जुन के छाल की लकड़ी के फ़ायदे के बारे में। इसमें पौधों के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं जो पौधों के लिए ज़रूरी है। इसमें जिंक, कॉपर, कैल्शियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो एक मायने में पौधे को फर्टिलाइज़र देने का भी काम करते हैं। इसके अलावा इसमें एक प्रकार के एक और घटक पाए जाते हैं, टायरोसिन नामक घटक पाए जाते हैं, जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। अगर आप पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हमारे पौधे बेजान और शुष्क हो जाते हैं। तो ये छाल, लकड़ी के छाल पौधे को प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करते हैं। अगर हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण सही ढंग से हो पाते हैं, पौधे भोजन को सही ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्लांट भी सही ढंग से ग्रोथ करते हैं, उसमें कलियां और फूल सही ढंग से बनते हैं। तो इसका स्प्रे अगर 15 दिन में सभी पौधों पर करते रहें तो आपके पौधे पेस्ट इंसेक्ट फ्री रहेंगे और पौधे स्वस्थ रहेंगे, उसमें फूल और कलियां भी ढेरों मात्रा में इस समय बनेंगे। चाहे रेनी सीजन हो, समर सीजन हो या फिर विंटर सीजन हो, इसका यूज आप इस कीटनाशक का यूज किसी भी सीजन में बेझिझक कर सकते हैं अपने पौधों पर। और जब भी इसका स्प्रे करें, कोशिश करें आप इवनिंग में करें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं मेरे गुड़हल के प्लांट हैं, जिसमें एक ब्रांच में आप देख सकते हैं बिल्कुल गुच्छे गुच्छे मिलीबग लगे हुए थे, और जैसे ही स्प्रे करते ही ये मिलीबग बिल्कुल हटने लगे। स्प्रे करते ही ये मिलीबग बिल्कुल डेड हो चुके हैं। इसका स्प्रे आप हर तरह के पौधों पर कर सकते हैं, या फिर फंगस प्रॉब्लम हो तो मिट्टी में भी आप 1 ml के करीब आप मिट्टी में डाल सकते हैं। इसे फूलों वाले पौधों पर भी किया जा सकता है, या फिर मिर्च वाले वेजिटेबल पौधे पर या फ्रूटिंग प्लांट पर भी आप कर सकते हैं। तो यूज करें और खुद ब खुद आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।